चाइना फिशिंग करने के लिए वहाँ का फिशरमैन अलग ही टेक्निक लगाते हैं। वो क्या करते हैं, कॉर्मोरेंट नाम के इस बर्ड्स को ट्रेन करते हैं और फिर कैन को उतार देते हैं पानी में मछलियाँ पकड़ने के लिए, और ये पकड़ कर लाते भी है। ये सही है। वैसे जापान के लगभग हर बिल्डिंग में ये बड़ा सा होल लगा होता है, इसलिए ताकि अगर गलती से बिल्डिंग में आग लग गई तो लोग इस होल के सहारे स्लाइड करके जल्दी निकल पाए। अब अभी तक हमने सुना या देखा होगा कि जो बर्ड्स होती है वो अपने चोंच में कीड़े वगैरह दबा कर ले जाती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, पर सैंड ग्रूज नाम की एक ऐसी बर्ड है और यही मात्र कैसी बर्ड है जो अपने बच्चों को पानी भी पिलाने के लिए ले जाती है, और ये पानी जानते हो कैसे लेकर जाती है, अपने पंख में ट्रैप करके। इनका पंख एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बना होता है जिसमें पानी इजिली ट्रैप हो जाता है। वैसे हाल ही में साइंटिस्ट ने पाया कि इन सुपर वॉर्म्स में एक खास तरह का एंजाइम होता है जिसके चलते ये पॉलिस्टीन खा सकते हैं, जिसके बाद साइंटिस्ट इस पर और स्टडी कर रहे हैं और एक ऐसा एंजाइम बनाने में लगे हैं जिससे प्लास्टिक को डिग्रेड किया जा सके। वैसे आपने शेर को तो देखा ही होगा, ये कितना तेजी से शिकार करता है आप ये भी जानते होंगे, बट शेर जिस नाखून से शिकार करता है उसको देखो, कुछ इतना डेंजरस और शार्प होता है शेर का नाखून जिससे कि वो शिकार करता है। वैसे पता है आपको डेडिकेशन क्या होता है? इसे कहते हैं डेडिकेशन। बेशक पैंट खुल जाए पर पतंग नहीं कटनी चाहिए।